आप सभी का एग्जाम तैयारी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनटीपीसी की और ग्रुप डी की 45 डे कंप्लीट मैथमेटिक्स। हम 45 दिन में कंप्लीट मैथमेटिक्स करेंगे, वो भी इस टाइप से कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं रहे, पेपर में हमारे कंप्लीट क्वेश्चन होने चाहिए उसके अनुसार। तो उस तरह से हम 45 डे में कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ टाइम लेके चलना है कि 45 दिन में कैसे भी करके करना है, नहीं, 45 दिन में अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद आप एनटीपीसी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहे, टोटल क्वेश्चन आप कर पाए वहाँ पे, उस टाइप से करेंगे। तो ये हमारे पास सिलेबस है एनटीपीसी का और हम इसी तरह से करेंगे, जिसमें हमने दिया है इसके अंदर उसी तरह से हम 45 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो एनटीपीसी का ये सिलेबस है जिसमें हम पहले परसेंटेज करेंगे, प्रतिशत। तो इसके बाद अगर हम करेंगे इसके अलावा अलग पर्सनालिटीज, तो इसी प्रकार से हम करेंगे सभी को। तो फर्स्ट हम करेंगे परसेंटेज, फिर इसके बाद में हम करेंगे अनुपात समानुपात, और फिर लाभ हानि, फिर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, फिर एक ये तो हमारा ए पार्ट है। फिर बी पार्ट स्टार्ट करेंगे और बी पार्ट में हमारे पास है टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। हमें जो सिलेबस में दे रखा है टाइम एंड वर्क का ही ये पार्ट है सेकंड वाला, पाइप एंड होज, मतलब नल और होद वाला जो क्वेश्चन है वो है। उसके बाद में ये हमें दे रखा है समय और दूरी, और इसी से रिलेटेड नाव और धारा है। तो ये हम कंप्लीट इसी टाइप से करेंगे, ये हमारा बी पार्ट हो गया। फिर हमारा ये है सी पार्ट, जिसके अंदर है हमारा नंबर सिस्टम, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। और फिर है एलसीएम और एचसीएफ, और फिर एलजेब्रा जो बीजगणित है वो करेंगे। इसी टाइप से हम कंप्लीट करेंगे इनको। फिर हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा जिसमें ट्रिकोनोमेट्री करेंगे, पहले त्रिकोणमिति करेंगे, फिर इसके बाद में ज्यामिति करेंगे। ज्यामिति में त्रिभुज है, जो भी है बेसिक और अच्छे से, कि अपना एक क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। फिर करेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, जिसमें 2D और 3D दोनों करेंगे, इससे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर 2D और 3D। और फिर लास्ट में ये करेंगे जो स्टेटिक्स है, जिसके अंदर आप जानते हैं काफ़ी ईजी रहता है, तो एक दिन में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें एक तो उस टाइप का वो क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा होता है, और काफ़ी एक इसमें से क्वेश्चन भी एक ऐसा पूछा जाता है कि 2 या 3 क्वेश्चन एक ही के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा है और ये करना और इसको सीखना भी बहुत आसान है। तो हम इसी टाइप से कंप्लीट हमारी ये पर्सनालिया करेंगे, ये यूनिट्स करेंगे। ये हमारा पूरा कोर्स है और इसे हमें 45 दिन में कंप्लीट करना है। तो आप किस टाइप से करेंगे वो देखते हैं, कि हम जरूरी नहीं कि हम एक घंटे की क्लास लें पर डे, 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे की भी क्लास हो सकती है पर डे, तभी ये कंप्लीट होगा कोर्स हमारा। और हम 45 डे में कंप्लीट करेंगे, मतलब 45 क्लास, टोटल लेक्चर कितने होंगे 45। अब परसेंटेज है, जैसे कि हमने परसेंटेज ली, तो परसेंटेज के हम एक पार्ट में बनाएंगे, मतलब समझ लो आपको लगता है कि ये 3 दिन में हम कंप्लीट करते हैं इसको, तो 3 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, मतलब 3 डे हो जाएगा, 3 लेक्चर, मतलब 45 में 3 दिन कम हो गए इस टाइप से। फिर हम एक इसके बाद में ये स्टार्ट करेंगे और आपको उसमें टाइम दिया जाएगा, मतलब ये 2 दिन में कंप्लीट होगी या 3 दिन में, जितने भी दिन में कंप्लीट होगी, आपको है हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे तथा हमें सेंड कर दे हमारी इंस्टाग्राम पे। जो ये कंप्लीट होगी उसी दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा, जिसके अंदर आपके द्वारा भेजे हुए सभी क्वेश्चनों को कराया जाएगा इसी प्रकार, और उस लेक्चर में कौन से क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के। इसी प्रकार अब ये स्टार्ट होगी, ये कंप्लीट होने के बाद अब ये स्टार्ट होगी, तो लगभग आपको 2 दिन मिल जाएंगे। तो दूसरे 2 दिन में आपको जितने भी आप और क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन भेजेंगे, वो ये कंप्लीट होगी उसी दिन एक लेक्चर लेंगे, जिसमें हम इसके जो आपके भेजे हुए सभी क्वेश्चन कराएंगे, इसी प्रकार सभी के कराए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी देंगे, जैसे कि आप है कि हमें
सेंड करेंगे आपको परसेंटेज में। सपोज आपने एनटीपीसी के आए हुए पहले के क्वेश्चन या किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन किया और आपको वो समझ में नहीं आया, आपने सेंड किया, हमें लगा कि ये क्वेश्चन हाँ बताना चाहिए। हो सकता है कई ऐसे भी क्वेश्चन भेज दे जो है हमने इनमें करा दिए और बहुत बेसिक क्वेश्चन हो, फिर भेज दिए जाए तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि नहीं कराएंगे। परंतु आपका भेजा हुआ क्वेश्चन रियल में ही कराने लायक होगा या कराना होगा तो वो क्वेश्चन उसमें जो है ये कंप्लीट होगी उसी दिन, एक जो एक लेक्चर होगा जिसके अंदर आपके सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसी टाइप से आपको ये कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, तो देखते हैं उसमें क्या है और कितना टाइम लगता है, और आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो भी टॉपिक एक टाइप से पढ़ाया जाएगा कि वन टाइप, टू टाइप, थ्री, इस टाइप से कि आपको एकदम समझने में आसानी हो। तो आज हम देखते हैं कि परसेंटेज है हमारे पास, तो परसेंटेज है पर्सनावली, परसेंटेज है तो ये क्या है पहले तो मैं आपको बता दूं। आप जानते होंगे परसेंटेज, ये चिन्ह देखा होगा आपने हमेशा, तो यही होता है परसेंटेज। हमेशा परसेंटेज किसी भी एक वस्तु का निकाला जाता है तो उस वस्तु को हमें 100% मानते हैं। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि आपके लगभग 400 के आपके टोटल पेपर हुए तो आपके लिख देते हैं कि आपके नंबर आए 160 या 260, जितने भी नंबर आए तो इस तरह से लिखते हैं। तो इसी से तो आप परसेंटेज निकालते हो कि किस टाइप से, जैसे कि आपके लिख दिया 160, 400 में से नंबर आए तो आपके परसेंटेज कितने आए, तो हमेशा ये भिन्न दे दी। अब इस भिन्न को आप परसेंटेज में चेंज करना है आपको, तो क्या करेंगे, इसके साथ 100 का इंटू कर दीजिए और ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो अब ये हो गया आपका परसेंटेज, मतलब 40% आपके नंबर आए। तो इस प्रकार तो किसी भी भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसमें 100 का गुणा कराते हैं। सेकंड, यदि हम किसी भी परसेंटेज को जैसे कि 40 है इसको आपको भिन्न में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, इसमें 100 का भाग देना है। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुणा कराना है, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना हो, फ्रिक्शन में चेंज करना हो तो 100 का भाग देना, आपको ये याद रखना है। तो इसमें आप 100 का भाग देंगे तो आपके पास ये भिन्न आ जाएगी 2/5। तो इस प्रकार भिन्न निकाल लेंगे हम। अब इसकी भी आप अगर टोटल भिन्न निकालते तो यही बनती है, जैसे कि 0 तो 8/5, 2/5। तो इस प्रकार आप इजीली इनको समझ सके होंगे। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरह से आप किसी भी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करें या किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करें। और परसेंटेज आप हमेशा कोई भी चीज़ होती है वो पूर्ण होती है, पूर्ण मतलब 100%, उसी में से जो करेंगे वो सब कुछ उसी में से होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से हम, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक खेत है, खेत है ये संपर्क 6 बीघा बोल दो या 6 हेक्टर बोल दो या जो भी बोल दो, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्टर है। अब आपको पूछा जाए, आप एक खेत में गए एक दिन और आपको कुछ भी करना है, मतलब इसमें कोई काम किया आपने, पूरे खेत में काम करना है, पर फर्स्ट डे आप एक इतना ही काम करके आए, तो ये पूरा खेत कितना है, 6 का मतलब 100%। तो आपको कोई पूछे कि आप कितना परसेंट काम किया, तो आपने किया एक, मतलब 6 में से एक किया, तो एक काम किया 6 में से है, ये भिन्न में चेंज हो गया। अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो मैंने आपको बताया था भिन्न में 100 से इंटू करा दीजिए और आप आंसर निकाल सकते हैं जी। तो ये हो गया 16/2/3, तो ये आपकी परसेंटेज में चेंज हो गया, मतलब आप काम कितना किया, 16/2/3। तो इस प्रकार आप परसेंटेज को कर सकते हैं। परसेंटेज काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अब हम क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि हम ये कुछ फ्रैक्शंस है जिनको आप याद रखकर क्वेश्चनों को और भी फास्ट कर सकते हैं।
और मैंने बताया फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे या किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि 1/2 है, 1/2 को परसेंटेज में चेंज किया तो 50% हो गया। अब इसको कैसे चेंज किया, तो आपको फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 का इंटू करा दीजिए, बस वही किया, 2 से ये कट गया 50, तो ये 50% आ गया। इसी प्रकार 1/3 का 33 सही 1/3 या 33.33%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 6/6, 16 सही 6/6%, या आप इसे 16 सही 2/16.66 लिख सकते हैं, या 16 सही 2/3%, यह है 16 सही 2/3%। और आपको पता है कि फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करते हैं, इसी प्रकार आपका 1/7 का हो गया 14.28% या 14 सही 2/7%, इसी प्रकार 1/8 का हो गया 12.5% या 12 सही 1/2%, 1/9 का हो गया 11.11% या 11 सही 1/9%, इसी प्रकार 1/10 का हो गया 10%, इसी प्रकार 1/11 का हो गया 9.09% या 9 सही 1/11%, इसी प्रकार 1/12 का हो गया 8.33% या 8 सही 1/3%, या 8 सही 1/3%, इसी प्रकार 1/13 का हो गया 7.69% या 7/9/13। तो इस प्रकार आप एक इनका 1/14 का भी आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, 1/15 का ये हो गया, 1/16 का ये हो गया, 1/17 का, 1/20 का फिर हमने डायरेक्ट देख लिया 5%, 1/24 का 4.16, 1/25 का 4%, 1/40 का 2.5% और 1/30 का 3.33%। तो इस प्रकार आप इन सभी के याद रख सकते हैं आप इस टेबल के माध्यम से, और प्रश्नों को बहुत फास्टली आप कर सकते हैं। तो ये हमारा पास है फ्रिक्शन, ये हमारे पास है फ्रिक्शंस, ये फ्रिक्शंस है। इसके बाद हम अब क्वेश्चन करेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे वो देखेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो देखते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखिए, हमें परसेंटेज में दे रखा है और इसको भिन्न में चेंज करना है। तो मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत को आपको भिन्न में चेंज करना हो, फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, ठीक। तो इसमें भी हम इन सभी का निकाल सकते हैं इजीली, कैसे, 100 का भाग देके, तो हम इन सभी का 100 का भाग देके निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है 36%, तो अब इसको हमें किस में चेंज करना है, भिन्न में। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 100 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसको 4 से डिवाइड करेंगे 9/2, बस, तो ये हमारा भिन्न में चेंज हो गया। इसी प्रकार हमारा 160% है, तो इसमें भी वही करना है, हमें 160 में भाग देना है कितने का, 100 का, तो 0 से 0 कट गया, तो 1 सही, एक बार कंप्लीट चला गया 6/10। इसको आप आगे लिखेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको भिन्न में लिख सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हैं, इसके आगे आप ऐसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं 8/5। तो आप जिस तरह से जो ऑप्शन में हो उस टाइप से आपको लिख देना है। थर्ड हमारे पास पॉइंट वाला है, तो इसमें दे रखा है हमारा 0.4, तो इसमें भी हमें भिन्न में चेंज करना है, तो 0.4 के नीचे भाग देना है कितने का, वही 100 का, तो ये हो जाएगा 0.4 है, इसमें 100 का भाग देना है, बस भिन्न में चेंज हो गया। अब इसको एक आप आगे सोल्व करना चाहते हैं तो 4 लिख दीजिए, 1000 लिख दीजिए बस, तो इसको आप 1/250 लिख सकते हैं भिन्न में।
तो इस प्रकार आप इनको चेंज कर सकते हैं। चार से इसको हजार को काटेंगे तो आप इस टाइप से भिन्न में लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक हमारा लास्ट है और जिसके अंदर 0.06 है, उसमें भी आपको 100 का भाग देना है, 100 का भाग देना है। अब जीरो हटाना है, पॉइंट हटाना है, तो इसमें डबल जीरो और लग जाएगा। और इस प्रकार आप इसको आगे दो से काट के आप लिख सकते हैं 3/5000। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली भिन्न में चेंज कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करना है। भिन्न में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज के साथ 1/100 का या 100 का भाग दे देना है। इसी प्रकार सेकंड हमें दे रखा है दशमलव भिन्न में बदलो, पर वही हमें चेंज तो भिन्न में ही करना है पर दशमलव में करना है, तो वही हमें भाग देना है कितने का, 100 का। परंतु अब हमें भिन्न में नहीं रखना, हमें इसको कंप्लीट सोल्व करना है। जैसे कि आप इसको 100 का भाग दिया चॉइस में, चार से हम इनको डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये 25, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर आगे आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 62, फिर वो हो गया 10, तो 10 में जीरो लगा के 4। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को है इस तरह से देख के और उसको है हम पॉइंट में या भिन्न में, दशमलव भिन्न में चेंज कर लिया। डायरेक्ट आप वैसे भी लगा सकते हैं क्योंकि नीचे जो जीरो है तो 2 पर पॉइंट लग जाएगा, बस आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप से ये समझाने के लिए मैं आपको इस टाइप से भी बता दिया, परंतु आप डायरेक्ट मतलब 2 जीरो है मतलब 2 पर पॉइंट, 1 जीरो है नीचे तो 1 पर पॉइंट, मतलब उस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे कि 5 का है सेकिन हमारे पास, तो 5 के 100 का भाग देंगे तो क्या होगा, 2 पर लगेगा 0.5 हो जाएगा, बस आंसर आ गया। इसी प्रकार 0.6 है, 0.6 है, इसमें आप 100 का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, ये हो गया हमारा तीसरा। तो वही 2 पर लगाना है, 1 पर पहले से लगा हुआ है तो 2 जीरो और लग जाएगी और 6 लिख देंगे, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार हमारा लास्ट है 0.04, वही हमें 100 का भाग देना है तो क्या होगा, पहले से 2 पर लगा हुआ है 2 और लगानी पड़ेगी, 0.0004%, बस ये आंसर आ गया आपका। तो इस टाइप से आप किसी को भी कम्प्लीटली आंसर कर सकते हैं और काफ़ी इजी तरीके से। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया कि हमें किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करें या दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करें। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हम अभी परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं जो एकदम परसेंटेज के फंडामेंटल्स है, मतलब परसेंटेज है उनको। अब हमारे पास आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है 11/12, इसको किस में चेंज करना है, ये हमारे को एक दर प्रतिशत में बदलना है हमें। तो परसेंटेज में आपको मैंने बताया कि परसेंटेज को आप भिन्न में चेंज करते हैं, भिन्न में तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। इसी प्रकार अब हमें भिन्न को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो क्या करना है, गुणा करना है आपको 100 का, यहाँ भाग दिया हमने 100 का, अब गुणा करना है। तो इसमें बस आपको क्या करना है, 11/12 × 100, बस आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप इनको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं किसी को भी इजीली। आगे आप सोल्व कर सकते हैं इसको, तो 50/6 और आगे करेंगे तो आप 11 × 25/3, तो 25 और 25 रेक 25 × 2 = 27/3 / 3। आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 का भाग देंगे आप कंप्लीटली 9 बार चला जाएगा, फिर 1 बार चला जाएगा 0.266 लगभग ये आ जाएगा। तो इसका आंसर परसेंटेज में ये परसेंटेज 91.66% समथिंग आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखेंगे।
जैसे कि हमारे पास दे रखा है ये 64 को कितने प्रतिशत 8 है, मानी 64 का परसेंटेज ये हमारे पास क्या है मुख्य संख्या, और हमें इसमें से इसका निकालना है। जैसे कि आपके कोई भी पेपर देते हैं आप, तो मुख्य संख्या मान लो 100 है, अब 100 में से आपके कितने नंबर आए 60, तो आप इसका परसेंटेज कैसे निकाल लेते हैं कि मेरे 60% आ गए। इसी प्रकार तो इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं कि पेपर आपका 64 का है और आपके 8 नंबर आए, तो आपके कितने प्रतिशत नंबर आए बस वही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो मुख्य संख्या वो नीचे लिख देते हैं और ऊपर ये लिख देते हैं, ये हमारे पास भिन्न बन गई और इसके साथ हम 100 का इंटू करा देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज। इसी प्रकार निकालते हैं, जैसे कि आप 60 आए तो आप 60/100 लिख देते हैं, और इसके परसेंटेज में चेंज करना हो तो इसको 100 से इंटू करा देते हैं, तो ये आपके 60% नंबर आ गए। तो इसी प्रकार इसको किया हमने, 8 से 8 64, 100/8, तो 8 को इसको डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे, जैसे कि 1, 2, 8 को 8 × 8 = 2, 20 × 8 = 16.5, तो आपके ये नंबर आए 12.5%। तो इस प्रकार आप, या आप एक आपको भिन्न फ्रैक्शन याद रहता तो इसको काटते तो 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था 1/8 का फ्रैक्शन होता है 12 से ही 1/2 या 12.5, अभी हमने सीखा था है। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट भी एग्जीक्यूशन को कर सकते थे यदि फ्रैक्शन याद होता तो आपको। तो हमारे पास ये चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन, ये भी सेम इसी का है, 9 का कितने प्रतिशत 36 है, 9 का पूछा है, उसमें 64 का आप 9 का, तो 9 का कितना परसेंट यहाँ पर कर लेते हैं पांच, 9 का कितना प्रतिशत 36 है, मतलब 9 में से 36, तो ये तो ज़्यादा होगा, तो 36 आप ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमें 9 में से निकालना है। आप ये मत लिख देना कि 9 छोटा है तो ऊपर 9 लिख देते हैं, नहीं, 9 का कितना प्रतिशत 36 होगा, 100, 200, 300% कुछ भी हो सकता है, कितना गुणा है, तो आप उसी प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 का इंटू कराते हैं, 9 × 9 = 18, 9 × 18 = 9, 27 × 9 = 36, तो ये हमारा आंसर आ गया 400%, मतलब 9 का 400% क्या है 36। अब डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे कि 9 का कितना गुणा, 9 से कितने का गुणा कराया हमने 4 का, तभी तो 36 आया। तो आप 9 हमेशा 100% होता है, आपको पता है कोई भी संख्या होती है पूर्ण 100% रहती है। अब इसका ये कितना परसेंट होगा, तो वो क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा, तो ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना ही तो है इसका, 4 गुना तो 400%। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मतलब अपने को जिस चीज़ से पूछा जाता है, मतलब अपनी मुख्य संख्या होती है उसे हमेशा 100% माने और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको है कि ये भी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अभी हम फंडामेंटल मानी मुख्य मानी बेसिक और परसेंटेज देख रहे हैं, परसेंटेज की बेसिक देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, जैसे कि 4 की ग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है, तो ये होगी 100%, क्योंकि हमें जिस चीज़ से पूछा जाता है वही हमारी 100% रहती है, तो ये हमारी 100% है कोई भी चीज़। अब इसका ये कितना परसेंट है ये हमें निकालना है, तो जो 100% है उसके नीचे लिख देते हैं, ऊपर जो हमें पूछा जाता है। अब याद ये रखें कि ये की ग्राम में दे रखा है केजी में, तो ये भी सेम मतलब यूनिट में होना चाहिए, ये भी केजी में चेंज करें, या तो या ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करें, आपको जो इच्छा हो वो, या आपको जो सरल लगे उसी टाइप से आपको करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ग्राम में चेंज करने में इजी रहेगा, तो ये 8 ग्राम तो है, ये ग्राम में है ऊपर वाला, नीचे केजी में, तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे तो कितने का, 1000 का, मानिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000, तो 1000 से इंटू करा दीजिए बस, आपका आंसर आ जाएगा बस। तो 8 से इसको काटेंगे तो 1 और ये 2, तो ये 2/1000 हो गया, तो ये कितना परसेंट हुआ वो हम निकाल लेंगे।
तो कितना परसेंटेज हमेशा निकालने के लिए किससे गुणा कराते हैं? आपको पता है कि ये भिन्न होगी और भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से इंटू करा देते, 100 का आप भाग देंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/5, 1/5 आ गया, मतलब 1/5%, मतलब आप 5 का भाग देंगे तो बहुत, मतलब बहुत कम आएगा इसमें, तो आप इसमें भाग देंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। 5 का भाग दे दीजिए आप 1 में, तो 1 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लग जाएगा, 0 लगेगा, मतलब 2.2%, ये आपका आंसर आएगा 0.2%, क्योंकि जो है 4000 ग्राम, इसका 1% कितना होगा आपको पता ही है कि 1% कितना होगा, सिर्फ 1%, तो 1% में तो 100 का भाग देंगे 40 ग्राम, सिर्फ 1% होगा, कंप्लीट 1% 40 ग्राम। परंतु ये तो 8 ही है, मतलब इससे भी है कि 1% का भी 5 भाग करते हैं तब तो 0.2%। इस प्रकार आप इजीली इनको कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास आज के ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा 7वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि 3:5 बराबर क्या परसेंटेज हो, तो हमें ये दे रखा है 7वें में 3:5, या आप इसे लिख सकते हैं 3/5। अब 3/5 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, क्योंकि ये परसेंटेज में पूछा है, प्रतिशत में, तो कितना परसेंट होगा? तो मैंने आपको बताया कोई भी भिन्न को आप परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करना है, 100 का इंटू करा देना, बस आपका आंसर आ गया, तो ये 60% आ गया, बस सोल्व कर दिया इसको, 20 को 3 से इंटू कराया तो 60%। तो आप इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इस प्रकार ही आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि 216 रुपये का 6 सही 2/3% कितना होगा, मतलब 8वें में दे रखा है 216 रुपये का, 216 का हमें क्या निकालना है, 6 सही 2/3%, ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, कितना होगा? तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का, सपोज 216 रुपये तो कंप्लीट है, इसी के आगे कर देता है, 216 रुपये हमारा जो 100% है, इसका कितना भाग क्या होगा, 6 सही 2/3%, बस ये तो पूछा है, तो ये भिन्न बन जाती, इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 का इंटू कराते हैं तभी तो ये परसेंटेज आता है, बस। तो आप इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो इस टाइप से कर सकते हैं इस, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/3 लिख सकते हैं, 216 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास एक्स का मान आ जाएगा, एक्स कितना है, कंप्लीट आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा आपके पास 7, 72, तो एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा 1, ये हो गया 22.4, तो 14, ये हो गया हमारे पास 6%, इसका 6% क्या होगा, 14, क्योंकि 6% इसका 216 का 6 सही 2/3% सिर्फ 14 रुपये होंगे, 14 रुपये 4 पैसे या 14.4। तो इस प्रकार एक आपको इसका फ्रैक्शन याद रहे, परसेंटेज का फ्रैक्शन, तो आप इजीली इसको और भी जी किस टाइप से कर सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा आपको ये याद रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप इजीली निकाल सकते हैं ये इसका फ्रैक्शन क्या होता है, ये होगा 1/15, 1/15 का फ्रैक्शन ये होता है, 1/15 का परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो 1/15। आपको मैंने पहले अभी चार्ट बताया उसमें, और आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं,
सोल्व कैसे करते हैं, मतलब ये परसेंटेज है तो इसको ये 20/3 परसेंटेज है, इसको कंप्लीट बेसिस परसेंटेज है तो इसको फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं कितने का, 100 का, 100 का भाग दिया, 5, 5 3 15, 1/15, तो उसी टाइप से मैंने इसकी फ्रिक्शन में चेंज कर लिया। अब आपको पता है तो ये नीचे वाला क्या होगा, जो मुख्य संख्या जो हमारे को दे रखी है 216, और हमें निकालना क्या है इसका, ये है 6 2/3 का मान 1, तो ये 15 का है तो इसमें 15 का भाग दे दीजिए, 1 का मान निकल जाएगा, बस फ्रिक्शन का इस मुख्य संख्या से गुणा करा दिया हमने और सोल्व कर दिया। ये हमारे पास लास्ट में आ गया था, आप इसको भी सोल्व किया था तभी भी हमारे पास ये ही आया था, तो आप इसको आप सोल्व कर लीजिए, वही आएगा आपके पास 1 6 15 4 60 56, वही चौक ये आ गया हमारे पास। तो ये इस टाइप से भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है जिसको हम किस टाइप से कर पाएंगे देखते हैं। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन है और इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है 1000, 1000 का 25% का, यानी 1000 का 25%, फिर जो 25% प्राप्त होता है उसका 1%, और जब 1% प्राप्त होता है उसका भी 1% क्या होगा, बस इस ये क्वेश्चन जैसा बोलता जा रहा है वैसा। तो 100 का 1000 का 25% क्या होगा, का की जगह 25 और ये परसेंटेज है, इसको साधारण में चेंज करते हैं तो इसमें भाग दे देंगे 100, फिर वापस हमें बोल रहा है का, तो वापस गुणा करा दीजिए 1/100 लिख दीजिए, फिर वापस 1/100 लिख दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं, जैसे कि 2 से ये 2 कट गई, 1 से ये 1 कट गई, 25 से ये 4, तो हमारे पास क्या आया 1/40। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंटों में ये हमारा आंसर आ गया, इसको आगे आप सोल्व करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। और वैसे आप नॉर्मली इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि 1000 है, 1000 का 25% मतलब ये 100% 1000, तो इसका 25% निकालना है तो इसका 4 हिस्से करो और 1 हिस्सा, वही तो होता है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1000 का मतलब 4, तो 1 का मतलब क्या होगा 250। अब ये 250 100 का मतलब है तो 1 का मतलब क्या होगा 2.5, यही होगा 1 का मतलब। अब ये 100 का मतलब है तो 1 का क्या होगा, बस तो हमारे पास ये आ जाएगा, जैसे कि ये 25 हो गया, नीचे 1000 कर दो क्योंकि पॉइंट हटाया हमने, और अब इसको करेंगे आप तो वही 1/40 आ जाएगा। तो आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये हमारी बेसिक है, मतलब जो है कि परसेंटेज है उसका बेसिक है। इसके आगे हम देखते हैं, ये हमारा टाइप, आप मान सकते हैं हमने जो बेसिक किया है वो टाइप फर्स्ट था, अब ये हमारे पास है टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड के क्वेश्चन है। टाइप सेकेंड में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जैसे कि यदि राम की मासिक आय और श्याम की मासिक आय से 60% अधिक है, श्याम की मासिक आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें तुलना करनी होगी। जैसे कि सपोज आप एकदम बेसिक समझाता हूँ, जैसे कि ए है या आप है, कोई भी है, राम है या श्याम है या कोई भी है, और बी है, दो जने। अब आप देखेंगे कि बी को एक दिन के 100 रुपये मिलते हैं ए को, और बी को मिलते हैं 60 रुपये हैं। तो बेसिक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो ए का कितना परसेंट मिल रहा है इसको, 60%, क्योंकि ए का 100% है, हमेशा जिसको हम मानेंगे वो पूरा 100% रहेगा, तो 100% मतलब 100, तो ये 60 का मतलब 60%, मतलब ए का 60% बी को मिल रहा है। परंतु यदि ये कहते कि बी का ए को कितना परसेंट है, मतलब बी का कितना परसेंट ए को है, तो बी का मतलब जिससे हमें ले रहे हैं उसे 100%, 100% का मतलब 60, तो 100 का मतलब क्या होगा, तो 60 + 40 होगा, आपको पता, तो ये तो 100% हो गया, प्लस हो रहा है इसके पास, तो इसका मान कितना होगा,
तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि जिसमें हमें जिससे निकालना होता है या जो हमें दे रखा है, जिससे जैसे 60 है और 60 से हमें निकालना है 100% माने 100 कितना हुआ 60 का, तो बस सोल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 1000/6, तो एक बार कंप्लीट जाएगा, फिर जाएगा 6 बार, फिर से 6 बार और फिर आएगा वही 6 बार, तो लास्ट में बचेगा 4, मतलब 2/3 भी लिख सकते हैं इसको आप, 2/3, तो इस प्रकार मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया 66.2.2/3, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो वही तुलना वाले क्वेश्चन है कि वो उसका इतना परसेंट है तो वो इसका कितना परसेंट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 2 में हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे हम देखते हैं, जैसे कि इसमें दे क्या रखा है, पहले तो ये देखते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है यदि राम की मासिक आय, राम है जिसकी मासिक आय क्या है, श्याम की मासिक आय से 60% अधिक है, श्याम से 60% अधिक है, तो श्याम और राम अब क्या बोल रहे हैं, जिससे पूछा यदि राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 60% अधिक है, मतलब किससे अधिक है, श्याम से, इसको 100% माने, तो श्याम की कितनी होगी 100, तो इससे किसकी, राम की कितनी अधिक है 60%, तो 160 हो जाएगी आप, तो श्याम की मासिक आय राम की मासिक आय से कितने प्रतिशत कम है, राम से कितना परसेंट कम है, तो इसको 100% माने आप क्वेश्चन में, तो ये 100% है तो ये कितना परसेंट होगा, या ये कितना कम होगा, कम पूछा हमें, कितना परसेंट कम है, तो ये 60 कम है, 60 कम है तो ये 100 है, तो 60 ऊपर लिख दीजिए और 100 का मान ये है 160, तो इतना है, तो 60 ही तो कम है, राम से 60 रुपये कम मिल रहे हैं, तो कितना परसेंट कम मिल रहा है, बस 100 से इंटू कर दीजिए, प्रतिशत में आ जाएगा 600/16 या 300/8, और फिर और आप 150/4 कर देंगे, फिर और कटेंगे तो 75/2, और 75/2 को आप एक डिवाइड करेंगे 3/7.5, तो इतना परसेंट इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको एक समझाने के लिए कंप्लीट आपको बता दिया, इसको आप लगभग 5 से 10 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन है दोनों। जैसे कि यदि एक्स वाई का 80% हो, मानी एक्स है वाई का 80% हो, मतलब एक्स है वाई हमेशा 100 माने, इसका एक्स कितना है 80%, मतलब 80 है, ये 100 है तो ये 80 होगा, क्योंकि वाई का 80% हो, यदि एक्स वाई का जिससे भी एक तुलना कर रहे हैं उसको 100% माने, वाई का 80% है तो वाई 100 है, तो इसका 80% क्या होगा 80, तो एक्स का कितना प्रतिशत प्रतिशत वाई है, तो एक्स का कितना परसेंट वाई है, कितना प्रतिशत अधिक नहीं पूछा, ये कितना परसेंटेज है, तो 100 से ज़्यादा प्रतिशत होगा, तो जिससे भी हमें तुलना करनी होती है उसे नीचे लिखते हैं और जिसकी कर रहे हैं उसे ऊपर, जैसे कि 100 ये तो कर, मतलब ये मुख्य है और फिर इससे हम इसकी कर रहे हैं, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, अब ये भिन्न हो गई, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से इंटू कराते हैं इजीली, ये 0 से 0 कट गया, तो फिर आगे इसको करेंगे तो ये 5/2, ये 4 और फिर ये 500/4 आ गया। आगे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, 1 ये 10/2 और ये 5, तो 125% होगा, ये 125% एक्स का कितना परसेंट हो गया, 125% वाई है, मानी एक्स 100 है तो वाई कितना है 125, बस तो एक्स 80 है तो वाई 100 है, तो 125% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी टाइप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मतलब हमें तुलना करनी है एक दूसरे से कि वो इसका इतना परसेंट है तो वो उसका कितना परसेंट होगा। जैसे कि ये दे रखा है यदि एक्स का मान वाई के मान से
25% कम हो, जिससे हमें तुलना कर रहे हैं उसको 100% माने, तो वाई से एक्स का कर रहे हैं तो वाई 100 माने, वाई के मान से 25% कम, तो एक्स का मान वाई का 25%, मतलब 100 का 25% क्या होता है 25, तो ये कम है तो 25 माइनस कर दे, ये 75, तो वाई का मान एक्स के मान से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो इससे हमें तुलना करनी है, इससे कितना अधिक है 25, तो कितना परसेंट अधिक है या कितना अधिक है, तो आप जो भी पूछे वो आप बता सकते हैं, वाई के मान, वाई का मान एक्स के मान से कितना अधिक है 25, 25 अधिक है, परंतु इसमें आपको कभी भी ये नहीं दिया जाएगा 25 कितना अधिक है, क्योंकि हमें इसमें मान तो दिए नहीं है, हमें तो सिर्फ परसेंटेज दिए, तो इसमें जो ऑप्शन होंगे वो परसेंटेज में होंगे, क्योंकि मान तो हमने मानना है कि ये 100 है ये, पर परसेंटेज तो हमारा वही आएगा, ये कोई भी संख्या हो आप जितना मान सकते हैं, इसको 200 मानते हैं इसको 150 हो जाएगा, इसको 500 मानेंगे तो ये इसका है कि 25% कम हो जाएगा, मतलब 500 का 25% होता है 125, तो 125 कम हो जाएगा, ये 375 हो जाएगा, तो इस प्रकार आप कुछ भी मान लें वही उसके अनुसार आ जाएगा, पर आपका जो ऑप्शन होंगे वो कभी भी डायरेक्ट नंबर में नहीं होगा, परसेंटेज में होगा, क्योंकि इसमें हमें नंबर दे ही नहीं रखा, तो आप परसेंटेज में आप चेंज कर दीजिए बस, वाई का एक्स के मान से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 25 अधिक है, तो 25 जिससे हमें निकालना होता है उसे नीचे लिखते हैं, ऊपर 25 लिख दिया और 100, बस ये 3, तो 100/3, तो 100 में हम 3 का भाग देते हैं, या 1/3 फिक्स है ना, और इसको परसेंटेज, ये 1/3 इंटू 100, मतलब ये तो फ्रिक्शन हो गए, इसके साथ हम 100 का इंटू करा रहे हैं तो परसेंटेज आता है, तो इसको हम आपको डायरेक्ट फ्रिक्शन को परसेंटेज में याद रखा होगा, तो आपने लिख देंगे 33.33 या 33 सही 1/3 आंसर हो जाता बस। तो आप इन क्वेश्चनों को काफ़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो काफ़ी इजी और नॉर्मल, तो आपको ये सेकेंड टाइप भी अच्छा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो, वही तुलना करनी है, x का 8% मतलब 8% मतलब x का मैं मान नहीं पता, तो x को x मान लीजिए 8%, 8% मतलब x 100% है, इसका 8% मतलब 100 का इसमें भाग देंगे और 8 से इंटू करा देंगे, बराबर वही y के ये 4% के समान है, तो y का भी हमें पता नहीं क्या है, पर इसका 4% के बराबर है, 4 ये 100 है, ये y अपने आप में 100 है पूरा, जिसका 4% और इसका 8% बराबर है, समान हो तो x का 20%, तो x का 20% समान है y के कितने परसेंट के समान है, तो वैसे तो आप इसको डायरेक्ट इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि देखो अनुपात में आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि x का 8% और y का 4% मतलब इसका हाफ, तो x का मतलब 20% है तो इसका भी हाफ होगा 10% y के समान होगा, डायरेक्ट आप इनको कर सकते हैं, परंतु आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमें ये समीकरण है, तो हमें x का मान निकाल लेंगे, x का 20% क्या होगा ये, तो इधर ये 20 हुआ, तो y का क्या होगा हमारे पास, बराबर अपने को पता नहीं है कुछ भी कितना नंबर होंगे, तो इसको n मान लीजिए, अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, इनसे आप सोल्व करके n का मान निकाल सकते हैं इजीली, परंतु आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, क्योंकि x का 8% और ये 2% मतलब इनमें से तुलना कीजिए, मानी इसका हाफ मतलब x का 8% y का 4% बराबर है, तो x का 20% तो y का 10% बराबर होगा, तो डायरेक्ट आप इसको 10% उत्तर दे सकते हैं।